लिटिल के साथ में भी अगर हम इसको एज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री हाउ मच का रिप्लाई यूज करने के लिए करें, अगर हम लिटिल को देखो, लिटिल ऑफ फ्यू डिटरमिनर भी होते हैं, एक चीज मैं आपको बता दूं, हालांकि आप लोग जानते भी होंगे पहले से, लेकिन फिर भी ध्यान दिला देना ठीक रहेगा। जैसे ये जो वर्ड है लिटिल और एक वर्ड है फ्यू, ठीक है, आगे नेक्स्ट उस पर स्लाइड पर समझा देता हूं, एक दो एग्जांपल भी लिखने पड़ेंगे। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ दीज वर्ड्स इन दीज एग्जांपल्स। आप इन सेंटेंसेस को पढ़िए और इन सेंटेंसेस में लिटिल का और फ्यू का पार्ट ऑफ स्पीच पता करिए। फ्यू, ये रहा फ्यू, ये है आपका लिटिल, ये है अ लिटिल, ये है अ लिटिल, ये है लिटिल, ठीक है, और ये है लिटिल। ये जो ए है वो लिटिल के साथ नहीं, मैनी के साथ है। चलिए, तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ दीज वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हमने अंडरलाइन किए हैं फ्यू और लिटिल, इनका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करके सभी लोग बताइए। दिस वन इज अ डिटरमिनर, दिस फ्यू इज अ प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, दिस लिटिल इज अ डिटरमिनर, ठीक है, दिस अ लिटिल, दिस, एक मिनट ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं ए को अंडरलाइन नहीं करना था, This little is an adjective, ठीक है, This a little is a pronoun, This little is a noun, subject है ना ये, This little is an adverb, so little word has more uses than few, This little is a determiner, determining the amount of money, Money is a noun, ठीक है, This little is an adjective, describing the quality or size of the noun, boy, तो वो determiner है, ये adjective है, This little is a pronoun, subject for the verb was served, This little is a noun, subject for the verb makes, ठीक है, This little is an adverb, modifying the amount of or degree of the adjective confident, confident is an adjective and this little is describing the degree of that adjective, this few is a determiner describing the noun people, this few is a pronoun, object of the verb identify, तो ये जो है few ये pronoun इसलिए है क्योंकि ये sentence में object का काम कर रहा है, ठीक है, वो determiner है, ये जो a little है प्रोनाउन इसलिए क्योंकि ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, ये जो लिटिल है ये नाउन इसलिए है क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान देनी कि लिटिल हैज मोर यूजेस देन डज फ्यू। तो फ्यू जो वर्ड होता है हमारा, फ्यू जो वर्ड है हमारा वो एडवर्ब नहीं होता है, लिटिल एडवर्ब भी होता है। तो ये जो मैं आपको इन्वर्जन का यूज समझा रहा हूँ ये वाला, ठीक है, लिटिल डिड ही नो, इट इज पॉसिबल विद लिटिल ओनली, इट इज नॉट पॉसिबल विद फ्यू, बिकॉज फ्यू इज अ डिटरमिनर, लिटिल इज एन एडवर्ब, अ डिटरमिनर, अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है, तो लिटिल हैज मल्टीपल यूजेस, तो लिटिल डिटरमिनर भी है, लिटिल प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, नाउन भी है, बट फ्यू जो है वो डिटरमिनर और प्रोनाउन भी। तो ये था इनवर्जन जो हमें डिस्कस करना था, तो मेरी तरफ से ये इन्वर्जन कंप्लीट हुआ आज। अभी आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ कहना है, पूछना है, बोलना है, बताना है, देन यू आर वेलकम। तो यू हैव गॉट अ मिनट, एक मिनट है आप लोगों के पास में, जो भी हमने इन्वर्जन में पढ़ा है, आई थिंक दिस इज द थर्ड क्लास, ओके, सो इफ यू हैव गॉट एनी डाउट्स रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ इन्वर्जन, इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग, देन यू आर वेलकम, वी विल डिस्कस द डाउट्स नाउ, because the topic is complete on my part. There was a doubt asked by one of your fellows in the previous class. The doubt is a relevant one. I will discuss it.
अ फ्यू ऑफ देम हैव कम. अ फ्यू ऑफ देम हैव कम. अ फ्यू इज अ प्रोनाउन. व्हेन वी से अ फ्यू ऑफ देम हैव कम, अ फ्यू इज अ प्रोनाउन. इट इज अ प्रोनाउन. इट इज रेफरिंग टू द पार्ट ऑफ देम. देम जो है उसके पार्ट को रेफर कर रहा है. सब्स्टिट्यूट है. व्हेन वी यूज सम ऑफ देम, एनी ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, ऑल दीज वर्ड्स आर इंडेफिनिट प्रोनाउंस. बोथ ऑफ देम, बोथ इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन. बोथ बॉयज, बोथ इज अ डिटरमिनर. ठीक है. एक क्वेश्चन है, लेट्स डिस्कस. पढ़कर इनको समझिए और बताइए कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच वन इज नॉट. इनमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं सही है, और अगर दोनों ही सही है तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हमें डिस्कस करना है. ठीक है. तो यू हैव गॉट अ मिनट, एक मिनट है आप सबके पास में, सोचिए. ये जो हमने दोनों सेंटेंसेस लिखे हैं इनमें अगर आप देखें तो विजुअल डिफरेंस कहाँ है, यहां पर और यहां पर. दोनों जगह क्लर्क लिखा हुआ है, मैकेनिक और क्लर्क यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है. डिफरेंस जो है वो ये है कि यहां पर हमने एक मिनट डिफरेंस जो है वो ये है कि यहां पर हमने बेटर मैकेनिक से पहले आर्टिकल लिखा है और ए से पहले भी आर्टिकल लिखा है. ठीक है. यहां पर हमने केवल बेटर मैकेनिक से पहले आर्टिकल लिखा है, क्लर्क से पहले नहीं लिखा है ना. तो यहां पर हमने लिखा बेटर मैकेनिक. बेटर मैकेनिक एक नाउन. ठीक है. और एक हमने लिखा क्लर्क. देन से हम इनको कंपेयर कर रहे हैं. अब हमें समझना इनका मतलब क्या है. तो जो पहला सेंटेंस है उसको समझने में मुझे लगता है ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है. दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड. आप देखोगे हमने बेटर मैकेनिक के साथ आर्टिकल यूज किया है और देन के साथ आर्टिकल नहीं यूज किया, उसके साथ क्लर्क के साथ में आर्टिकल नहीं यूज किया. अगर हमने क्लर्क के साथ में आर्टिकल नहीं यूज किया है तो इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा द पर्सन इज बोथ. वो पर्सन क्लर्क भी और मैकेनिक भी है. ही डज बोथ जॉब्स. ठीक है. इसका मतलब ये है ही डज बोथ ऑफ दीज जॉब्स एंड ही इज गुड एट द फॉर्मर वन. तो इसका तो सीधा सा मतलब ये है, बहुत सिंपल है कि ही डज बोथ ऑफ दीज जॉब्स इफ और वेन ही डज बोथ ऑफ दीज जॉब्स. अगर वो दोनों ही काम करता है, क्लर्क भी है मैकेनिक भी है, तो ही इज गुड एट द फॉर्मर वन. फॉर्मर वन का मतलब जिसके साथ हमने बैटर यूज किया है तो वो अच्छा है एज अ मैकेनिक. एज अ क्लर्क उतना अच्छा नहीं है. मतलब एज अ मैकेनिक उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एज अ क्लर्क उसकी परफॉर्मेंस से ज्यादा बेटर है. तो ही इज बेटर मैकेनिक देन क्लर्क. तो इसका मतलब है कि ही डज बोथ ऑफ दीज जॉब्स एंड हिज परफॉर्मेंस एज अ मैकेनिक इज बेटर देन क्लर्क. नेक्स्ट में जाओ. नेक्स्ट सेंटेंस जो हमने लिखा है ही इज अ बेटर मैकेनिक देन अ क्लर्क. अब इसमें देन अ क्लर्क का मतलब हम क्या माने, इज ही अ क्लर्क और इज ही नॉट अ क्लर्क, क्या वो क्लर्क है कि वो क्लर्क नहीं है, इसका मतलब हमें समझना है थोड़ा सा कि इसका मतलब क्या है. सोचो इसका मतलब क्या होगा. इज क्लर्क समबडी एल्स, क्या क्लर्क कोई और है. तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो दूसरा पर्सन है वो क्लर्क है और ये मैकेनिक है और ये बेटर मैकेनिक है. तो ये कंपैरिजन इलॉजिकल लगेगा कि भाई अगर दूसरा पर्सन मैकेनिक है ही नहीं, दूसरा पर्सन क्लर्क है और ये मैकेनिक है, देन व्हाई आर वी मेकिंग कंपैरिजन. तो फिर हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं. कंपैरिजन इज बीइंग मेड ऑन द सेम स्केल. सेम थिंग्स का कंपैरिजन, सेम टाइप्स का कंपैरिजन होता है. तो अगर एक मैकेनिक है क्लर्क है तो हमें इनका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो ये गलत हो गया. अब फिर इसका मतलब हम क्या माने. ठीक है. तो आंसर है इसका कोई स्पष्ट मीनिंग होता नहीं है. ये एम्बिगुअस मीनिंग होता है. इसका कोई मीनिंग नहीं. ही इज अ बेटर मैकेनिक देन अ क्लर्क जो है, तो आप इसको ना इमेजिन कर सकते हो, इसको इमेजिनरी मीनिंग मान सकते हो. इसका मतलब ये मान सकते हो कि ही इज अ बेटर मैकेनिक इफ ही वुड बी अ क्लर्क.
अगर वो क्लर्क होता, जो कि वो नहीं है, तो इतना अच्छा नहीं होता जितना वो एज ए मैकेनिक अच्छा है। तो बस ये इसका मतलब होता। बोथ आर ग्रामेटिकली करेक्ट बट मीनिंग इज डिफरेंट। एक्चुअली द सेकेंड स्टेटमेंट डज नॉट कन्वे अ लॉजिकल मीनिंग। हाँ, ये ध्यान रखना है। अगर हम इसमें ये मान लेंगे कि क्लर्क इज समवन एल्स, देन व्हाई आर यू मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन अ क्लर्क एंड अ मैकेनिक। ठीक है, अगर हम लिख दें द मैकेनिक इज बेटर देन द क्लर्क, ठीक है, अगर हम लिख दें अ मैकेनिक इज बेटर देन अ क्लर्क, तो ठीक है, यू आर कंपेयरिंग द जॉब्स, अ मैकेनिक इज बेटर देन अ क्लर्क, तो इसका मतलब मैकेनिक क्लर्क से बेहतर होता है, उसका अपना काम होता है, ज्यादा पैसे कमा लेता है, उसको ज्यादा सैलरी मिलती है, जो भी। तो आप एक ऐसा कह सकते हो, लेकिन अगर आप ये लिख रहे हो ही इज अ बेटर मैकेनिक देन अ क्लर्क, तो इट डजंट कन्वे एनी लॉजिकल सेंस। नहीं, अगर आप क्लर्क किसी और को मान लोगे तो आप कंपैरिजन क्यों करोगे क्लर्क का और मैकेनिक का। ठीक है, तो इनमें से हमें वो वाला स्टेटमेंट ही यूज करना चाहिए, उसका एक अपना क्लियर मीनिंग होता है, इसका कोई लॉजिकल या डिस्टिंक्ट मीनिंग तो कुछ भी होता नहीं। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, जो हमारा ये इन्वर्जन हमने टॉपिक कंप्लीट किया है, इसका एक बार सभी लोग रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा इस पर अपनी सेल्फ स्टडी भी करें, एंड ट्राई टू फाइंड आउट सम गुड क्वेश्चंस। ठीक है, कंफ्यूजिंग एरियाज इन दिस टॉपिक। तो अभी आपके पास एक दो दिन का टाइम रहेगा, और तो उन टाइम को आप यूज़ करें, और जो हमने टॉपिक कवर किया है उस पर अच्छे कुछ क्वेश्चंस ढूंढिए, कुछ कन्फ्यूजिंग एरियाज, तो वो शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास हमारी इन्वर्जन की डाउट क्लास होगी, तो उसमें हम इन्वर्जन के जो अपने बचे हुए डाउट, इन्वर्जन के जो आपके डाउट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि अपने जो डाउट्स हैं वो आप संडे इवनिंग तक शेयर कर दें व्हाट्सएप पर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में ही मिलेंगे। ठीक है, और आपकी डाउट क्लास अगली होगी। ठीक है।